प्यार से बुलाया शिवम लौटा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर रेंजर जंगल फ्यूरी के लॉयन मेगाजॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों हाँ, जैसे वुल्फ रेंजर की मतलब पुराने जंगल फ्यूरी के रेंजर की मेगाजॉर्ड में एक वुल्फ की टांग जुड़ने से वो वुल्फ रेंजर का मेगाजॉर्ड हो जाता है, उसी तरह यहाँ पे पुराने जंगल फ्यूरी के मेगाजॉर्ड में टाइगर का सिर और टाइगर की बॉडी जुड़ने से वो टाइगर लॉयन की बॉडी जुड़ने से वो लॉयन मेगाजॉर्ड बन जाता है, जो कि काफ़ी कूल लगता है मुझे। लेकिन अच्छा तो लगता है वैसे, जंगल फ्यूरी वालों ने पहले मेगाजॉर्ड की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनाई थी। तो ये जो मेगाजॉर्ड है, ये इसके पास टाइगर की भी पावर, मतलब कि जो टाइशी होता है, जो कि विलन रहता है, उस जिसको टाइशी ने प्रोसेस किया रहता है, जो टाइगर स्पिरिट वाला होता है, उस वो बंदा जब ठीक होता है तो उसकी जो अकल बुद्धि ठिकाने आती है, तो उसने सोचा कि यार चलो पावर रेंजर्स को मदद कर देते हैं। तो यहाँ पे वो अपनी स्पिरिट से पावर रेंजर्स के साथ एक टाइगर लॉयन मेगाजॉर्ड को क्रिएट करता है, और उसी लॉयन मेगाजॉर्ड की मदद से वो बाकी विलन्स को हराते हैं। लेकिन क्या ये लॉयन टाइगर प्लस मेगाजॉर्ड शक्तिमान को हरा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना शक्तिमान, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और पंच तत्वों की शक्ति है। तो यहाँ पे शक्तिमान से अगर ये लड़ेंगे तो शक्तिमान पहले तो इनके ऊपर लाइटनिंग अटैक करेगा, फिर विंड अटैक करेगा, और फिर उसके बाद इन्हें ऊपर मीटियर भी गिरा सकता है और इन्हें दलदल में भी फंसा सकता है। और शक्तिमान इनको इनके मेगाजॉर्ड में घुस के इन्हें वहाँ से हटा सकता है, जिसके वजह से मेगाजॉर्ड गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहोगे कि सीधा सीधा मेगाजॉर्ड को तोड़ना, तो शक्तिमान पड़ेगी आराम से लाइटनिंग अटैक करके इस मेगाजॉर्ड को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि शक्तिमान के पास पावर ही इतनी ज़्यादा है, और शक्तिमान यहाँ पे जीत जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।